हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। हम लोगों ने बात की थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो आज जो बचे हुए तीन ऑपरेटर हैं, आज हम लोग उसके प्रोग्राम बनाएंगे और इनके बारे में थोड़ा स्टडीज करेंगे। मतलब मॉडुलस ऑपरेटर हम लोगों को क्या बताता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोगों को क्या कराएगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर से क्या होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये बेसिकली जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो बचे हुए तीन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं और उस पर देखते हैं कि हम लोग क्या करना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली बचे हुए अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बचे हुए अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, मॉडुलस को हम लोग परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मॉडुलस जो है परसेंटेज, ठीक है, ये इसका सिंबल है, आप इसकी मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब होता है क्या, ये क्या करेगा, ये आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, कोई भी दो नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा, आपको उसका रिमाइंडर वापस कर देगा। ठीक है, तो जैसे आप 5 / 4 करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, इक्वल टू मैंने ले लिया 5 एंड कॉमा बी इक्वल टू ले लिया मैंने 4। ठीक है, तो ए बाई जब बी मैं करूँगा, ठीक है, ए मतलब इसका ए बाई बी करूँगा, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा मेरा वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। ठीक है, रिमाइंडर जो हम लोगों का 1 आना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिकली यही एक प्रोग्राम है, इसी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। मतलब इसी को देखते हैं कि मतलब प्रोग्राम इसमें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप चलिए आपको हम प्रोग्राम बना के दिखाते हैं कि ठीक है पर मॉडुलस ऑपरेटर किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, हैज़ इंक्लूड, ठीक है, stdio.h int main। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो 2 नंबर चाहिए। ठीक है, 2 नंबर चाहिए क्योंकि उनको डिवाइड करेंगे तभी तो रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या इंटीजर चाहिए, कोई 2 इंटीजर। ठीक है, तो मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। अब कितने चाहिए, 2 चाहिए तो पहले तो, ठीक, और उनका फिर एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो उसको मैंने रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में रख लूँगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने टोटल 3 वेरिएबल। अब मुझे क्या करना, इनपुट कराना है नंबर। ठीक है, तो प्रिंट एफ मैंने कराया गया कि प्रिंट एफ करा लिया और यहाँ पे लिख दिया कि मैंने आपको मतलब शो कराया मैसेज कि आप यहाँ पे 2 नंबर को एंटर करें। ठीक है, तो एंटर 2 नंबर्स। ठीक है, आप यहाँ पे 2 नंबर्स को एंटर करें। सबसे पहले नंबर मैंने स्कैन एफ की मदद से, मैंने लास्ट कुछ वीडियो पहले हम लोगों ने स्कैन एफ फंक्शन का यूज़ देख लिया है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से इनपुट में अगर हमें कोई नंबर कीबोर्ड से लेना है तो हम लोग स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जिस भी वेरिएबल को इनपुट में लेना है, जिस भी वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करनी है, उसका एड्रेस m% ऑफ ए लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड के लिए भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, ये हो गया, लोग एक्सेप्ट होगा। अब लोग कंडीशन लिखते हैं, मुझे क्या करना है कि रिमाइंडर में किसकी वैल्यू चाहिए, रिमाइंडर में हम लोगों को चाहिए है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर उसका यूज़ करना है। ठीक है, तो ए मॉडुलस बी। ठीक है, तो ए मॉडुलस बी। ठीक है, तो जब आप ये लाइन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए को जब हम लोग बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो इसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आपका डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट एफ। ठीक है, और जो रिमाइंडर आएगा वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज डी। ठीक है, कॉमा, अब किसकी वैल्यू, किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो उस वेरिएबल का हम लोग नाम लिख देंगे, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रोग्राम हो गया है रेडी, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम हो गया है कम्प्लीट, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है कि बेसिक प्रोग्राम बनाए, 2 वेरिएबल लिखी हैं तो और उनका फिर रिमाइंडर निकाल लेंगे। 2 वेरिएबल को मैंने इनपुट में ले लिया कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, आप वो 2 वेरिएबल कोई भी ले सकते हो, और फिर इस यहाँ पे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप प्रोग्राम बना के रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम में आपको देखिए कि इन्होंने कहा एंटर 2 नंबर। ठीक है, तो पहला नंबर मैंने क्या लिया था, पहला नंबर जो मैंने लिया था वो था 5। ठीक है, पहला नंबर था 5 और दूसरा नंबर मैंने 4 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बना रहा है। ठीक है,
सिमिलरली आप ऐसे एक दो प्रोग्राम और बनाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है, आप ऐसे प्रोग्राम को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी आप हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और मॉडुलस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आप प्रोग्राम को प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप प्रोग्राम को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें अच्छे से कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप प्रोग्राम को प्रैक्टिस करिएगा, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर कंटेंट ऑन प्रॉपर टाइम। थैंक यू, कीप वॉचिंग।